तो गाइस हम लोगों का मछली कंप्लीट रेडी बन के पूरा साइड बाबू ऐसे नहीं पूरा साइड। हेलो गाइस, तो गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो हम लोग अभी आज जो मछली लेकर के आए थे उसको बना रहे हैं और मछली के साथ साथ न्यू मेंबर भी बढ़ गए हैं मेहमान मछली खाने वाले और हम उन्हीं को काम भी करवा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ। हेलो गाइस, ये मेहमान आई और मैं इसको काम करवा रही हूँ। बहन है तो इतना तो बनता है। तो ये रहा मछली और मेहमान आई है, उन्हीं को मैं काम करवा रही हूँ, फ्राई करवा रही हूँ, बना दूंगी मैं। मछली लाई हूँ, मछली खाने आ जाओ तो मैं आ गई। अब मिंज हो तो मछली खाऊंगी ही, पर मिंज मछली को नहीं खा रही हूँ, राहू वाला मछली खा रही हूँ। तो वही बात है कि बहुत सारा था, खा नहीं पाते तो ऐसा। मछली खाएगा बाबू? आए, अकेले नहीं है, उधर भैया हैं, बैठे हैं और चूल्हा भैया बना दिए हैं, है ना भैया? हाँ, मछली खाना है। अरे क्यों नहीं मिलेगा मछली, प्लेट ले लिया। हाँ तो खराया हो तो नहीं पसंद करते ना बाबू तेरे मामू। जो गोइस लहसुन प्याज भी कर लेते हैं कच्चा, उसके बाद यहीं पे बनाएंगे। गैस खर्चा ही बात, मतलब चूल्हा टाइमबा होने लगी। हाँ वो मिट्टी वाला बर्तन लाऊंगी, उसमें बनाऊंगा हमें ना। वही सारा मछली फ्राई हो गया और ये लास्ट में बचा मुंडी वाला भाग। सुनो ना, इसको ना ऐसे रहने देते हैं, ऐसे आए ना, आओ इसको ऐसे खाना, बड़ा बड़ा है। फ्राई मछली नहीं खाई नहीं थी, नहीं खाऊंगी, खाना भी और लकड़ी डालने की हो जाएगा, हो जाएगा। दिल्ली ना तेज चाहिए रहता है, जानते रहे ना। तो अभी लकड़ी नहीं है ना, थोड़ा काम करिए, बाद में लकड़ी ला दूंगी जंगल से, बहुत जलाएंगे, धू करेगा। सही में तेज जलता है तो जल्दी होता है। तो गाइस हो गया इधर मछली फ्राई कंप्लीट। इसको खाने को दे दो ना भैया के लिए, दो तीन पीस ना। दीपू तो भी खाएगा फिर, खत्म हो जाएगा। हम लोग का ये खराब हो गया गाइस, तो आज से इसमें ऐसा मतलब ऐसे खड़ा खड़ा डाल रहे हैं हम लोग। तो छोंकते हैं, बनाने की बारी मेरी नाल का, तभी तो पाही कहलाएगा। पाही से ही बनवाऊंगी तो पाही कैसे कहलाएगा। ठंड की जमा पता लगो। चावल को अंदर चढ़ाए हैं गाइस, बस सब्जी खाएंगे चूल्हे का, दे हल्का और लकड़ी। गैस में बनाने से काम कर रहे हैं जैसे लगते, चूल्हा में बनाने से ना खेल रहे हैं जैसे लगता है। टाइम पास वैसे। क्या बना रहा है तू? अंडा मछली का अंडा प्लस उसमें पोटा पोटा। अच्छा लगता है, मिक्स रहता है तो कड़वा नहीं लगता है ना बाबू। खाने मन हो रहा है, खाना इधर खाना चाह रहा है गाइस। बाहर में बन रहा है सब्जी, मछली तो बहुत सारा है तो दो जगह दो झन के घर में पहुँचा देना सब्जी। उनका बर्तन है हमारे यहाँ तो आप भिजवा देते हैं ना, मछली भी ताज़ा ताज़ा है। मेहमान भी आए हैं और सब्जी को भी मेहमान भिजवाएंगे कैसे सा। क्या लेने आया मैं? पानी। ये बंद तो कर देते थे। क्या है? मैं होगी
बंदूक आया तो दिखाओ कैसे लगते, मैं भी खा के देखूंगी सच में। सजाया तो रुका इंद्रा सजो इंजो बो जम्मा ये सूखा खाओगे नहीं खाएंगे हम लोग तो सारा को डाल दो हम मुंद्रा इला मुन्नू मुंद्रा हम यम्मी यम्मी दिख रहा है गाइस हम लोगों का मछली का सब्जी भाई, बहुत दिन के बाद चूल्हे का खाने का मिलेगा ना, कब मिलेगा ये सोच रहे हो क्या? आए हम लोग खाने पीने का बात कर रहे हैं। अयो गरम हो गया, अभी मेरी बारी। तो गाइस हम लोगों का मछली कंप्लीट रेडी बन के, पूरा साइड बाबू ऐसे नहीं पूरा साइड ही कर रहा हूँ, हो गया गाइस आज तो भूख लग रहा है बाबू, मैं दोपहर में नहीं खाई थी ना आके। हाय हम लोग का चूल्हा बहुत बतराया गाइस, बहुत अच्छा आग जला, आप जरा ओए परमानेंट चूल्हा बना दियो हमारे लिए, सब होगा कल सच्ची। हाँ ठीक है तब दूसरों का बर्तन है। तो गाइस पहले मेहमान भेजने वाला काम किया जाए, उसके बाद हम खाएंगे। ये उनका है ना रियान लोग का। हाँ ना बेटा, ये चाचू लोग के लिए इसको भिजवाएंगे और ये रियान भैया लोग के लिए, दीपू भैया। मैं भी जाऊंगा, आप छोड़ दो तब मामा, तो आप ही छोड़ दो ना, दोनों जन कितना जाओगे? दीपू को नहीं भेजती, नहीं दीपू विनय के यहाँ जाएगा, मुक्ति भैया को छोड़ दो, एक साथ में चलते हैं। ठीक है वो भी बने, आपके लिए दी हूँ ना, आप निकालने का काम नहीं करो, यहाँ बैठो, इधर आपका खाना है, बैठो बैठो बैठो। तो गाइस नींबू मिला बाबू, अंधे प्याज उच गए, खाओ तब, खा लिए खा लिए, चलो बताओ तब ठीक बना कि चूल्हा का बढ़िया बना। आप जो खाने सक रहे हैं कि नहीं, हाथ में कटा गए हैं उंगली में। तो गाइस पापा नहीं खाने पा रहे, तो नितिन बाबू खिला रहे पापा को खाना बड़े प्यार से ना बाबू। हाँ मछली भी खिला दे बेटा पापा को, मम्मी अरे बाबा रे हम खा के देखते हैं फिर पता चलेगा। ये बाबरी, ये बाबू का खाना है सच में, और ये दीपू भैया, ले दीपू भैया ये आपका खाना, ये लो, ये बड़ा भाई है ना बाबू, आजा नीति खाएंगे आप, मिर्ची खाएंगे आप नहीं? तो गाइस हम भी टेस्ट करके देखते हैं, अच्छा लग रहा है बोल तो रहे हैं, पर छोटा मछली था तो कांटा बहुत है ना, चुप्पा लाऊंगी कुर्सी लाई, चुप्पा है थोड़ा सा, नहीं तुम रो दिन हाथ कहने मैं तो दो गाइस टेस्टी है, पापा बहुत अच्छा लग रहा है, चूल्हे वाला स्वाद आ रहा है पापा। तो गाइस खाते हैं और मेहमान लोग, मेहमान रहेंगे तो रोकेंगे और नहीं रहेंगे तो भेज देंगे दमाखा करके। तो ब्लॉग यहीं तक रहेगा, बाय बाय बहन, नीचे हलो।
दीदी को बहुत बहुत थैंक यू, जब भी आते हैं तो मुर्गी मछली अंडा ही देती है, मैं मस्त आ जाते हैं खाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू दीदी को। खुद मुर्गा लेके आती है, मैं उसके ब्लॉग नहीं बना पाई, नीति का पेपर चल रहा था। ठीक है गाइस, खाते हैं।